जितनी भी शक्ति मुझ में है वो तुम्हारे साथ है। राजनीतिक शक्ति, कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीतिक शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, मैं खड़ी होंगी तुम्हारे साथ, और साथ में हम परिवर्तन लाएंगे। एक साथ होकर हम इस देश, इस प्रदेश को समझाएंगे कि महिलाओं को नकार नहीं सकते। महिला चुप नहीं रहेगी, अगर उसका शोषण होगा तो वो खड़ी हो जाएगी, अपना हक मांगेगी। आज से अपना हक मांग रही है। इसलिए ये जो शक्ति विधान है, ये जो घोषणा पत्र है, इसमें हमने तमाम ऐसी चीजें हमने लिखी है, आपको पढ़ना चाहिए। आप सब यहाँ से जाते वक्त इसको लीजिए। इसका उल्लेख मैं नहीं करूंगी, आपने काफी कहा कि हमें क्या क्या इसमें लिखा है। इसमें सिर्फ मोबाइल फोन स्कूटी नहीं है, इसमें आपको सशक्त करने के लिए हर जिले में ऐसी पाठशालाएं बनाई जाएंगी जो 9 से 12वीं क्लास की महिलाओं को सशक्त करेंगी। उसमें आपको दक्षता की शिक्षा मिलेगी ताकि आपको रोजगार मिल पाए। जितने भी इस प्रदेश में रोजगार देगी कांग्रेस पार्टी, उसमें से 40% रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारी घोषणाएं हैं आशा बहुओं के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, कि आपको 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। आप फिर उसके बाद आपने कहा आप एक परिवार को पूरे साल के लिए देखती हैं, उसके लिए आपको एक कुछ मिलता है पैसा, वो अलग है, आपको मानदेय मिलेगा, उसके ऊपर से वो मिलेगा। एक गैस सिलेंडर की बात करते हैं, हम कहते हैं 3 लीजिए, क्योंकि सरकार दे सकती है, सरकार के पास बहुत पैसा है, सही जगह नहीं डाला जाता। बड़े बड़े हवाई जहाजों में हमारे प्रधानमंत्री उड़ते हैं, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है। अगर उस 8,000 करोड़ रुपए को आपकी शिक्षा में डाल देते तो क्या नहीं हो सकता है। अगर आपकी सेहत के लिए कोई इंतजाम होता, कोरोना में आशा बहुओं ने, आंगनवाड़ी की बहनों ने ही तो सबका देखभाल किया। ज्यादातर नर्स अस्पतालों में महिलाएं हैं, इतनी सारी महिला डॉक्टर हैं, क्या किया सरकार ने? मदद की, उनको बोला कि आपका, आपने इतनी बड़ी सेवा की है देश की, हम आपको और सशक्त करेंगे, नहीं किया। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आज आप अपनी शक्ति समझें। देखिए, आज आप अपने लिए लड़ना शुरू नहीं करेंगी तो कब करेंगी? मेरी इतनी नौजवान बहनें यहाँ पे, बच्चियां हैं स्कूल की, अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, रोजगार चाहती हैं, अपने लिए लड़ना चाहती हैं। सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे।